महात्मा गांधी के पिता ने क्यों की चार शादियां, प्यार से बचपन में क्या कहा जाता था बाबू? क्या आपको मालूम है कि गांधी जी के पिता कौन थे, उन्होंने चार शादियां क्यों की, उनके कितने बच्चे थे, कौन सी आदत मोहनदास करमचंद गांधी यानी कि महात्मा गांधी में आई जो कि भारत की आजादी की लड़ाई के सबसे बड़े नेता बन गए। महात्मा गांधी के पिता का नाम करमचंद गांधी था। उनका व्यक्तित्व काफी रौबदार था। उन्होंने अपने जीवन में चार बार शादियां की और उसकी भी एक कहानी है। हालांकि उनकी सबसे टिकाऊ शादी चौथी शादी थी, जिनमें उनकी पत्नी बनी थी पुतलीबाई, और इन्हीं से महात्मा गांधी जी का जन्म हुआ था। करमचंद गांधी के कई बच्चे थे, जिनमें छह बच्चे चौथी शादी से हुए। इनमें महात्मा गांधी और उनके दो भाई और एक बहन शामिल थी। दो का पैदा होते ही निधन हो गया। आगे जीवन में उन्होंने क्या किया, ये आपको बताते हैं। आखिर उन्होंने इतनी शादियां क्यों की? महात्मा गांधी के पिता करमचंद रियासत में दीवान थे। दीवान का पद तब रियासतों में मुख्यमंत्री की तरह होता था। वो पोरबंदर और राजकोट में दीवान थे। उनके पास प्रशासन का अधिकार था और उनकी उम्र थी 63 साल। पिता से गांधी जी को कौन से गुण मिले थे? गांधी जी में जो चीज पिता से आई वो थी सबसे अहम, सत्य और न्याय के दृढ़ प्रतिबद्धता। पिता कुशल वक्ता और लेखक थे, लिहाजा ये गुण भी गांधी जी को मिले। वो स्वामी भक्त थे, लेकिन अप्रिय और हितकार सलाह देने में कभी नहीं हिचकते थे। कितनी शादियां की पिता ने? अब आते हैं करमचंद गांधी की शादियों पर। तो उन्होंने मुख्य रूप से चार शादियां की, और इतनी शादियों की वजह रही थी क्योंकि उनकी पहली दो पत्नियों की मृत्यु जल्दी हो गई थी। तीसरी पत्नी से उन्हें कोई संतान नहीं हुई। चौथी शादी इसलिए की ताकि उन्हें संतान के साथ एक बेटा मिल सके। पहली दो पत्नियों से उन्हें शायद दो बेटियां हुई। 1857 में पुतलीबाई गांधी से उन्होंने शादी की, जिससे उनके चार बच्चे हुए। आपको बता दें क्या रहे पत्नियों के नाम। जी, करमचंद की पहली पत्नी का नाम रलियत बेन था। एक बेटी को जन्म देने के समय उनकी मृत्यु हो गई, और दूसरी पत्नी का नाम कस्तूरबा गांधी था, जो कि बेटी को जन्म देते ही सिधार गई। तीसरी पत्नी मेहर गांधी थी, जिनकी शादी के बाद जल्द ही निधन हो गया। और 1857 में करमचंद की शादी पुतलीबाई से हुई, जिन्होंने महात्मा गांधी समेत चार बच्चों को जन्म दिया। पुतलीबाई अपने पति करमचंद गांधी से उम्र में 22 साल छोटी थी। वो एक धार्मिक महिला थी और हिंदू धर्म का पालन करती थी। महात्मा गांधी को अपने भाई बहनों के साथ काफी अच्छे संबंध थे। वो चार भाई बहनों में सबसे छोटे थे। जी हाँ, गांधी परिवार में सबसे पसंदीदा बच्चे थे, क्योंकि वो छोटे बच्चे हुआ करते थे और उनके माता पिता उन्हें प्यार से मोनिया कहते थे। दोनों भाई मदद करते थे। जी हाँ, उनके बड़े भाई लक्ष्मण दास पहले ही वकील बन चुके थे, और उन्होंने छोटे भाई को लंदन में कानून की पढ़ाई करने के लिए वित्तीय मदद की थी। आपको बता दें, लक्ष्मी दास गांधी बड़े भाई थे, वो वकील बने। कानूनी मसलों में अपने भागीदारी के लिए जाने जाते थे। और करसन दास गांधी के पेशे के बारे में विवरण कम दर्ज है। वो पारंपरिक जीवन शैली के लिए जाने जाते हैं। और उनकी इकलौती बहन, जी महात्मा गांधी की इकलौती बहन रही रलियत बेन गांधी, जो कि पारिवारिक जिम्मेदारियों के इर्द गिर्द केंद्रित रही, और कोई औपचारिक पेशा इन्होंने नहीं अपनाया। तो ये थी आज की हमारी खास जानकारी पीटीवी हिंदुस्तान पर महात्मा गांधी और उनके पिताजी के बारे में। आपको ये जानकारी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। धन्यवाद। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों से जुड़े रहने के लिए देखते रहिए पीटीवी हिंदुस्तान। यदि आपने अभी तक आपका अपना यूट्यूब चैनल पीटीवी हिंदुस्तान सब्सक्राइब नहीं किया है, तो अभी सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन जरूर दबा दें।